गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? अच्छे, बढ़िया हो ना? ओके, आज हम करने वाले हैं स्टोरी। वाओ, पर आज की स्टोरी में स्पेशल चीज ये है कि आज की स्टोरी हम इंग्लिश में करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना। हम आज स्टोरी इंग्लिश में करेंगे और ये स्टोरी आपको लर्न करनी है, ठीक है? पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी पूरी स्टोरी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश, आई विल नरेट दिस स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है? सो स्टोरी का नाम है थर्स्टी क्रो, मींस प्यासा कौआ। थर्स्टी क्रो मींस क्या होता है? एक कौआ है जिसको बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। सो ऐसा आपने देखा होगा, क्रो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है ना, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर की उसकी बीक होती है, बीक मतलब चोंच, जिससे वो चीजें खाता है, पकड़ता है, वो सारी चीजें उसकी चोंच से करता है वो। सो क्या है स्टोरी, वो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। पहले एक कौवा रहता है, क्रो, जिसको बहुत प्यास लगी हुई होती है। वो पानी के लिए इधर उधर क्या करता है, उड़ता है कि पानी चाहिए पानी, पर उसे कहीं भी पानी मिलता नहीं है। फिर वो थक जाता है उड़ के, तो वो एक जगह एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। फिर उसे एक पानी का पॉट दिखता है, पॉट ऐसा होता है पॉट, तो वो पानी का पॉट देखता है, तो पेड़ से उड़ के वो पानी के पॉट के ऊपर आके बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि पानी तो बहुत कम है इसके अंदर, ये तो मैं नहीं पी पाऊंगा इतना पानी, तो अब मैं क्या करूं? तो वो क्या करता है, तो उसके पास थोड़े पॉट के पास में पत्थर पड़े होते हैं, पेपल्स, तो वो उन पेपल्स को उठा उठा के उस पॉट के अंदर डाल देता है। तो पॉट के अंदर डालने से पानी पूरा ऊपर आ जाता है, वाटर लेवल अप हो जाता है। तो फिर वो पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है और वो खुश होके वहां से चला जाता है। सो कैसी लगी स्टोरी? कितना उसने इंटेलिजेंट वाला काम किया ना, उसने अपना दिमाग लगाया कि यार मैं पानी पीने के लिए क्या करूं, पानी पीना है मुझे, लेकिन पानी तो बहुत कम है पॉट के अंदर, कैसे पीऊंगा मैं पानी? तो वो अपना दिमाग यूज करता है ना? सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको अपने दिमाग से काम, किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊं, राइट? नाउ अपन ये स्टोरी करेंगे इंग्लिश में, ठीक है? आराम से करेंगे, धीरे धीरे, और आपको ये स्टोरी इंग्लिश में ही लर्न करनी है, ठीक है? सो वंस देयर वॉज अ क्रो, once there was a crow, he was very thirsty, he flew away here and there in search of water, but he could not find the water. So after some time he saw one pot, he flew down and sat on the pot. Then he saw into the pot, but there was very little water. He could not reach that water. Then he think what should do. So he saw some pebbles near pot. He dropped one by one pebbles in the pot. After some time, water level came up. He drank water and flew away. मजा आया आपको स्टोरी करने में? Yes, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इंग्लिश में स्टोरी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, ताकि आप सबको पता चल जाए। Once there was a crow, he was very thirsty. He flew here and there
in search of water, but he could not find water anywhere. After some time, he saw one pot. Then he flew down and sat on the pot. When he looked into pot, he saw there was very small water in it. So he saw some pebbles near pot. He dropped one by one pebbles in the pot. After some time, the water level came up and crow drank water and flew away. है ना? So आपको ये story English में याद करनी है, आराम से take your own time और मुझे सुनानी है, सुनाओगे ना? I want to listen in English. Try to learn. अच्छे से याद करना, मजा आएगा. इंग्लिश में ही करनी है याद आपको. पहले तो आपको अपने अपने मम्मी पापा को सुनानी है विद एक्शन. क्रो कैसे जाता है, कैसे वो पानी ढूंढता है, कैसे वो पीता है ना? तो ये सारी चीजें आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है? ये स्टोरी लर्न करना, मजा आएगा. इंग्लिश में ही याद करनी है आपको. ओके, बाय ऑल ऑफ यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.